गाइस, मैं हूँ मनीषा चौधरी और हम आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल। राजमा चावल के लिए मैंने राजमा भिगो के रख दी है। राजमा हमारे धुल रहे हैं। राजमा को मैंने डाल दिया है कुकर में। कुकर के अंदर पानी, पानी के अंदर नमक, नमक के अंदर हल्दी डाल के ये सब मैंने कुकर में डाल के और मैं कुकर के सीटी मरवा दी है। और मैं बनाऊंगी इसकी ग्रेवी। प्याज टमाटर लेके लहसुन डाल के इसके अंदर सब काली मिर्च वगैरह डाल के मैं इसकी ग्रेवी बना लिया। ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। अब मैंने तेल को रख दिया है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो गया है। तेल के अंदर जीरा और राई डाल के मैं इसको तड़का लगाऊंगी। तड़के के अंदर मैं डालूंगी हमारी पीसी हुई ग्रेवी। पीसी हुई ग्रेवी के अंदर दही के अंदर मसाला डाल के इसको डालूंगी कढ़ाई के अंदर। चम्मच से मैं मिलाऊंगी। आप हाथ से मिला सकते हैं। मैंने राजमा के अंदर पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी बना के इसको कढ़ाई में डाल दिया है। कंसिस्टेंसी बना के ये सब डाल के मैंने इसके अंदर गार्निशिंग कर दी है कढ़ाई के अंदर ही। ढाई तीन कटोरी चावल लेके मैंने चावल को धो के भिगो के रख दिया है। अब मैंने पानी के अंदर घी डाल दिया है फ्लेवर के लिए। फ्लेवर के लिए और चावल के लिए खाने के लिए डाल दिया मैंने चावल। चावल बन के तैयार रह चुके हैं हमारे चावल। टेस्टी टेस्टी चावल। चावल और राजमा तैयार है। और ये राजमा चावल खाती हुई है हमारी गुड़िया पीसीएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।